बता रहे हैं कि 25,000 में आपका 12,000 में सिंचाई शुरू हो गई है, तो मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। 13,000 और होगी तब आपका 25,000 हेक्टेयर होगा। तो एक तो विलंब और उसके कारण में लगातार उसके प्रश्न छोटे करें, भूमिका नहीं, प्रश्न छोटे छोटे। एक तो विलंब और दूसरे कारण लागत, बाकी मंत्री जी को जानकारी में सब है। पॉइंटेड प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न ये है, जो महालेखाकार का जो बताया गया है, अभी जवाब आया था कुछ दिन पहले, 25 नंबर में था, ये जो नहर के जो काम हुए हैं, जिसमें जिनका खेत नहर निकाले नहीं गए हैं उनको पेमेंट हो गया, और जिनका खेत निकाला गया है उसमें नहर नहीं बनाए हैं, तो उसमें 10 करोड़ रुपए के राशि का जो अधिकारियों को, जो 10 अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का, और दूसरी बात वो 10 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट हुआ है उसको वापस करने का। सही है ये कब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाए, जवाब आ जाए, एक बार जवाब आ जाए। जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का है वो कब तक, और जो राशि वापस करनी है वो कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जहां पर हमारे विभाग के माध्यम से, और जो वर्तमान में लैंड एक्विजिशन का मामला है उसके कारण से ये पूरा योजना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कार्रवाई नहीं की गई है, उसमें क्या है, 2 राजस्व अधिकारी है, एसडीओ है, अब 2 एसडीओ है, उसमें 2 तहसीलदार है, फिर आपके विभाग के अधिकारी है, तो जिसके ऊपर आप कार्रवाई सबके ऊपर नहीं कर सकते, दोषी पाए गए हैं, तो दोषी पाए गए हैं तो उन दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी, इसको सुनिश्चित करें कब तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विभाग के अधिकारी और जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और जो वहाँ पर उस कार्य से संबंधित जितने भी अधिकारी लगे थे और जिनके माध्यम से ये चूक हुई है, लगभग 8 करोड़ का जो अतिरिक्त इसमें भुगतान किया गया है जिनके खेतों पर नहर नहीं बनी, उसके लिए उनको जो भी कहते हैं विधि सम्मत जो कहते हैं कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कि जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी? मतलब आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको, और बचाने का प्रयास करने से आपको कोई फायदा होगा नहीं, ना नहर के काम हो रहे हैं, ना उसका कैनाल का काम हो रहा है, ना उसमें सिंचाई हो रहा है, और उसके बाद में लागत राशि बढ़ते जा रही है, जो पैसा दी गया उसका अपना तफरी कर रहे हैं। तो पॉइंटेड क्वेश्चन ये है, मंत्री जी जवाब आ गया, नहीं जवाब कहां आया, कार्रवाई करेंगे मतलब कितने साल में करेंगे? शीघ्र बोल रहे हैं ना, शीघ्र नहीं, बोल भाई, शीघ्र नहीं, उसमें 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, कब तक? और दूसरी बात, उसको जो पैसा भुगतान हुआ है गलत आदमी को, उस पैसा वापस कब तक वसूली की जाएगी? केवल दो प्रश्न है मेरा। जो गलत भुगतान हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसकी तत्काल वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बढ़िया, और ज्यादा अधिकारी माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रश्न तो यही है कि 10 अधिकारी उसमें सम्मिलित है और उनके खिलाफ में कार्रवाई कब करेंगे? छोटा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कब करेंगे कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए गंभीर है कि उतने वरिष्ठ सदस्य उठा रहे हैं, उसके बाद मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। धर्म जी और धर्म जी को धक्का, आपको सहायता करने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है जी। पूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ना अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ये लोग पर्याप्त है इस धारा के क्षण, कार्रवाई, बैठिए, एक प्रश्न बैठिए ना, प्रश्न आ जाए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न राघवेंद्र सिंह जी जरूर लगाए हैं और बहुत अच्छा प्रश्न लगाए हैं, हम लोग इसलिए नहीं पूछ पाए थे अध्यक्ष महोदय, और भी इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न पूछ लिए थे, लेकिन जिस दिन अभिभाषण हो रहा था उस दिन मैंने इस योजना का जिक्र किया था। 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई का प्रोजेक्ट है अध्यक्ष महोदय, टर्न की में इसको दिया गया था, अभी तक के मंत्री जी के जवाब में सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, इसका मतलब है 50% ही आपने अपने टारगेट को अचीव किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक तरफ जवाब दे रहे हैं कि 80% नहर का निर्माण हो गया, तो 80% नहर के निर्माण के बाद सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई कैसे हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा
कि 8 बार आपने उसका समय वृद्धि क्यों किया। 8 बार समय वृद्धि होने के बाद मैं समझ गया हूं कि इस ठेकेदार साहब कितने शक्तिशाली हैं, विभाग के अधिकारियों के ऊपर उनका कितना प्रभाव है। और ये कोई आपके समय का कार्यकाल का नहीं है माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिए। तखतपुर विधानसभा और बिल्हा विधानसभा में इसके सिंचाई का लाभ मिलना है, ये वर्षों से लंबित है। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी के ज़माने में और डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने में मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, इन्हीं के समय का कार्यकाल है जब ये स्वीकृत हुआ। प्रश्न मैं 2 मिनट बता दूं साहब, ये भूमिका सब मालूम है उनको। नहीं मैं बता दूं क्योंकि ये पुरानी सरकार का भी इसमें छोटा प्रश्न कर लीजिए। हाँ, मैं बहुत लंबा हो गया। एक चीज जानना चाहता हूं कि 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब होगी आप ये बताएंगे, और हमारी और भी कई जिज्ञासाएं हैं जिनको हम आपके अधिकारियों से सदन में तो इतनी बहस कर नहीं सकते। क्या आप इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ भैंसाझाड़ डैम के साइट से बैठ करके हमको स्थल का मूल्यांकन और सत्यापन और भौतिक दर्शन कराने का कष्ट करेंगे क्या, ताकि उसी के आपको प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा छोटा सा प्रश्न। जी सर, कोटा विधानसभा क्षेत्र, आप वहाँ इधर कूद रहे हो, कोटा विधानसभा क्षेत्र में डैम, मैं ये बोल रहा हूँ साहब। अध्यक्ष महोदय, कोटा विधानसभा आपने नहीं है, उस जिले के सब विधायकों के सामने में आप करवा दीजिए। नेताजी, आपके अधिकारी हमको बताते जाएं, हम पूछते जाएंगे, हमारी कोई गलत फहमी होगी उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न उचित है। या हमको 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई देने का आप आश्वासन देंगे? 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब तक हो सकती है, क्या कुछ आश्वासन दिया जा सकता है मंत्री जी? और मीटिंग कराएंगे क्या? बस यही प्रश्न सब में अटका हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ के मुख्य कार्य है वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। चलिए, बीच का जो पोर्शन है अध्यक्ष महोदय, वही उसको करेक्ट करना शेष बाकी रह गया है, वो करेक्ट हो जाएगा तो उसके पश्चात टोटल 25,000 हेक्टेयर में उसमें सिंचाई सुविधा हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। बीच का काम पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा साहब, वही तो 20 साल से रुका हुआ है, उसको करिए सर, फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर, अटल टनल। अध्यक्ष महोदय, इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए एक बार, फिजिकल ऑडिट। 12,000 हेक्टेयर में भी सिंचाई नहीं हो रही, ये बांध जो है कोटा विधानसभा क्षेत्र में है, एक भी नहर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका फिजिकल ऑडिट करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, युवा है और आपको तो इसमें चिंता ही नहीं करना चाहिए, कौन नपेगा, नाप दो आप। लेकिन हमको खेतों में पानी चाहिए साहब, और 25,000 का टर्नकी में ठेका मिला है, 12,500 सुनते में 7 साल बीत गया अध्यक्ष महोदय, 5 साल हो गया, आप इसको कैसे बनवाएंगे? वो कौन सा हर्डल है जिसको आप नहीं दूर कर पा रहे हैं? विभाग उसको दूर करेगा, कठिनाई दूर करेगा सर, इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर एक बार, कठिनाई दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कहा कि इसमें लैंड एक्विजिशन का मामला था और उसके कारण से थोड़ा सा ये विलम्ब हुआ है, अब वो लगभग थोड़ा सा नहीं, अच्छा विलम्ब हुआ है जी, और जल्द से जल्द उसको हम पूरा कराएंगे, हम हमारी कोशिश है। चलिए, अब मंत्री जी का आश्वासन आ गया। चलिए नेताजी, मंत्री जी का आश्वासन आ गया।